अहमदनगर येथे मोर्चात भाजपचे आमदार नितेश राणे यांनी अत्यंत प्रक्षोभक भाषण करून मुस्लिम समाजाची धार्मिक भावना दुखवल्या गेल्या, जाणी करून ठिकठिकाणी नितेश राणे यांच्या विरोधात आंदोलन सुरू आहे. यवतमाळ शहरातील कळंब चौक येथे विदर्भ मुस्लिम संघटनेच्या वतीने भाजपचे आमदार नितेश राणे यांचा पुतळा जाळून आंदोलन करण्यात आले. यावेळी विदर्भ मुस्लिम संघटनेने शब्बीर खान यांच्यासह शेकडो मुस्लिम बांधव उपस्थित होते. अहमदनगर येथे सकल हिंदू समाजातर्फे महंत रामगिरी महाराज यांना समर्थन तसेच बांगलादेशमध्ये हिंदूंवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या निषेधार्य जो मोर्चा काढण्यात आला होता, त्यात कणकवली विधानसभा मतदार संघाचे आमदार नितेश राणे यांनी मुस्लिमांना मस्जिदमध्ये घुसून मारून टाकण्याची धमकी दिली होती. त्यांच्या या विधानामुळे देशात सामाजिक सौहार्द नष्ट होऊन धार्मिक तेढ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संपूर्ण मुस्लिम समाजामध्ये तीव्र संतापाची लाट असून ठिकठिकाणी नितेश राणे यांच्या विरोधात आंदोलन सुरू आहे. हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, मैं आपसे विदर्भ मुस्लिम संगठन का नेता शब्बीर खान गुजारिश करता है कि ऐसे भाड़को आमदार आपके पार्टी में रख के अपने पक्ष को कमजोर ना करे, और आपसे गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द उसकी सदस्यता रद्द करे और उस पर कार्रवाई करे और उसको आमदार पद से हटाए. ये आपसे हमारी अर्ज गुजारिश है. और मैं राणे, नितिन राणे, रितेश राणे, मैं आज तेरे को खुला चैलेंज करता हूँ. क्या भाई मुर्गी के बच्चे, तू हमारे मस्जिद में क्या घुसेगा? अबे तू तू तो मस्जिद में घुसने से पहले हमारे अगर मदरसे के बच्चे हैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता, तो हम जैसे शेरों से तू कब लड़ेगा? सही है, सही है. और मैं तेरे को आज खुला खुला चैलेंज करता हूँ कि भाई कब का समय तू बता, तय कर. हम लोग तेरे मिलना चाहते, तू हमारे मस्जिद में कब आना? अरे तू हिंदू मुस्लिम करके कौम को गुमराह मत कर. ये जो हिंदुस्तान है ये एक फूल में पूरा देश है. इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्रिश्चन हम सब भाई भाई है. तेरे बोलने से ना हम जुदा होंगे, ना आपस में हम लड़ेंगे, ना आपस में कटेंगे. तू एक 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 तू डुक्कड़ किस्म का आदमी है. तेरा बाप पहले सेना में था, काहे के लिए? पक्ष के लिए, गद्दी के लिए. आज तू बीजेपी में गया. अरे सत्ता का लालच छोड़ नित्या. और आज तेरे को खुला चैलेंज है कि जब तू चाहे जब हम तेरे से मुलाकात कर सकते, तो हमारे मस्जिद में आने के लिए तकलीफ मत उठा. बच्चे तू हमारा बच्चा है, हम तेरे बाप है, हम तेरे घर क्या, तेरे ऑफिस क्या, तू जा बोलेगा वहाँ आएंगे. ये तेरे को खुली चैलेंज है, खुली धमकी है. के पक्षी राजपुरा गांव की हक्की पिक्की जनजाति द्वारा 108 सूखी और हरी जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया जाता है. ये आदिवासी लोग सालों से इस तेल का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, इसलिए आज तक इन्हें बालों से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं हुई है. इस तेल से बालों का झड़ना, गंजापन, बालों का कमजोर होना जैसी दर्जनों समस्याएं चुटकियों में ठीक हो जाती है. इतना ही नहीं, ये तेल बालों को घना करता है, नए बाल उगाने और बालों को लंबा करने में भी मदद करता है. अभी तक लाखों लोग इस तेल का इस्तेमाल करके अपने बालों की दिक्कतों को दूर कर चुके हैं. इस तेल को ऑर्डर करने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं